विभ्रमभेदात् इत्येतद् विवृणोति नापि पंचमित्यादिना। ये भ्रम का भेद से भी ये जो कहा गया था उसका विस्तार करते हुए कह रहे हैं नापि पंचमित्यादिना। विषय विशेष निमित्त संशय विपर्याद विशेष इति पक्षम दूषयति। कहते संशय और विपर्य दोनों का विषय अलग अलग होता है। विषय विशेष को निमित्त बनाकर जो संशय का विपर्य से जो अंतर है इति पक्षम दूषित अंतर उसने कहा यानी ये करे नहीं वास्तव में कोई अंतर नहीं है न आद्य इत्यादि ना। ये उठाया था ना वहाँ पर संशय से उपरसाद विषय विशेषण कारण विशेषण जाति विशेषण व भेद सियात। उस विकल्प में जो पहला विकल्प है विपर्यासाद विषय विशेषण संशय से विपर्यासाद भेद तो उसके लिए खंडन कर न आद्य संशय से किम उभय विधिर विषय यथा स्थानुश्च पुरुष चेती किंच उभय निषेध किम वा अन्यतर निषेध उत उभय विधि निषेध हो। उसे संशय का विषय और विपर्य का विषय में आपने अंतर करना चाहते हो। संशय का विपर्यास विषय विशेष है क्या विषय विशेष है विषय विशेष की व्याख्या करो पहले। ये चार विकल्प उठा रहे वहाँ विषय विशेष मैंने किम उभय विधिर विषय जो संशय का उभय पक्ष रहता है दोनों पक्ष का विधि माना जाए या दोनों पक्ष का निषेध अथवा अन्यतर का विधि तो अपने आप अन्यतर का निषेध हो जाता है। हाँ तो उभय विधि विधि निषेध हो तो विधि निषेध उभय किया जाए। इन चारों खंड दन्नाद्यह न तावद इत्यादि न तावद उभय विधि विषय ये तो स्थाणु पुरुष हो समुच्चय निश्चय से आप संशय तो पाता द्वितीय सीधि माह न स्थाणु रीति न स्थाणु न पुरुष प्रत्यय प्रसक्त है ऐसा प्रत्यय होने लगेगा दोनों का निषेध करेंगे तो ऐसा प्रत्यय होगा न स्थाणु न पुरुष एक निश्चय एक पक्ष निश्चय होता है एक पक्ष खंडन होता है ऐसा नहीं होगा फिर दोनों का निषेध हो जाएगा या तो दोनों का पक्ष विधि या दोनों का निषेध हो जाएगा। अब अन्य तरह निषेध करो तद इतरे ती नाप्य अन्य तरह निषेध आते इतर अवधारणा प्रत्यय है तब क्या होगा एक पक्ष का निर्णय होना एक का निषेध करोगे दूसरे का अपने आप निश्चय मानना पड़ेगा अब निश्चय मत फिर तो संशय ज्ञान कहाँ रहेगा तो परमा ज्ञान हो जाएगा। यदि ही अन्यतर निषेध सैत तदा अन्यतर से अवधारण परिवश्येत तथा संशयत्व व्याघात चतुर्थी अभी सीधि माह चौथा पक्ष क्या कहा था उसने उभय विधिर निषेध हो ही नहीं सकता क्यों न केवलम व्याघात असंभवश्चित व्याघात ही नहीं बल्कि असंभव दोष भी है इसमें कि नित्यत्व नित्यत्व परस्पर प्रतिक्षेप रूपत्वाद एक तरह विधौ एक तरह निषेधा उभय विधानम उभय निषेधश्च न संभवती। कहीं नित्यत्व नित्यत्व जैसे दृष्टांत लो कोई भी जैसे स्थाणु पुरुष लेकर तभी नित्यत्व नित्यत्व लिया परस्पर प्रतिक्षेप रूप है विरुद्ध है वो उसी का नाम तो संशय है पर विरुद्ध धर्म होना चाहिए एक कसम धर्म नहीं नाना धर्म आओगा ही ज्ञानम तो कहते परस्पर प्रतिक्षेप रूपत्वाद एक तरह विधौ एक का निषेध करोगे तो एक तरह निषेध एक तरह निषेध हो ही जाएगा तो उभय विधानम विधानम तो उभय निषेधश्च न संभवती उभय का न विधि होगा न उभय का निषेध हो सकता है और एक का विधि करो अन्य का निषेध होकर के वो यथार्थ हो जाएगा तो व्याघात है इसे व्याघात भी असंभव भी है। उभय विधान अनतिरिक्त उभय निषेधा भावादित्यर्थ उभय विधि के जो उभय जो विधि विधि है उभय विधि पक्ष से अतिरिक्त निषेध दोनों नहीं हो सकते। इसका विधि हुआ तो दूसरे का निषेध मानना पड़ेगा दूसरे का विधि हुआ पहले का निषेध मानना पड़ेगा दो रहता है स्थाणु हुआ पुरुष हुआ स्थाणु का विधि किया पुरुष का निषेध मानना पड़ेगा पुरुष का विधि किया स्थाणु का निषेध मानना पड़ेगा। ये दोनों विधियाँ ऐसी हैं एक दूसरे का निषेध रूप ही है उसे भिन्न नहीं है अनतिरिक्त इसने कह दिया उभय विधान अतिरिक्त उभय निषेध अभावादित्यर्थ एवं विषय विशेषाद विशेषम निराकृत्य कारण विशेषाद विशेष पक्ष पे निराजस्ट है। इस प्रकार से विषय विशेष को लेकर के कहा हुआ विशेष का भेद संशय पर भेद का निराकरण करके कारण विशेष को लेकर के भेद कहता है वहाँ भी अनेक पक्ष उठाकर खंडन कर न द्वितीय थी। कारण शब्द ने किम सामग्री वक्षते सामग्री एक देशो वा आद्यपि प्रत्यक्ष ज्ञानम अनुमानत वा न उभयता पित्याह लेने सामग्री एक देश का जो दो पक्ष उनको खंडन पर न उभयता पी सही इत्यादि न मूल में सही सामग्री वा तदेक देशो वा न आद्य अतीन्द्रियत्व तस्या प्रत्यक्षत्व योगात लिंगाभाव अनुमान तो सिद्ध है
महापुरुष का मैंने प्रत्यक्ष या अनुमान से, प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता, नो भयता पिता सही इत्यादि ना, किमित लिंगा भाव। पूर्व पक्ष कहेगा लिंगा भाव कैसे कह दिया आपने, हमारे पास तो लिंग है, उसको मूल में आता नच संशय ज्ञान में लिंगम, संशय ज्ञान लिंग मान लो अनुमान करने में, तसे इधानी निरूप्यमाण वही कहा था, अभी तो निरूप्यमाण है वो कहाँ से लिंग बन जाएगा, सामग्री एक दे नहीं किमित लिंगा भाव यावता कार्य संशय ज्ञान सामग्र्य शक्यम अनुमान मिति, क्यों सकाना है कार्य कौन संशय ज्ञान, उस संशय ज्ञान रूप कार्य से हम उसकी सामग्री का अनुमान कर लेंगे, तत्रहा नहीं हो सकता कि अभी तक जो उसका निरूपण ही नहीं हुआ। सामग्री एक देश कारण मिति पक्षे पे किम प्रत्यक्ष गम्य तदेक देश तद अगम्य हुआ, एक देश में वही प्रश्न है प्रत्यक्ष गम्य है या तद अगम्य मैंने अनुमान आदि गम्य माना जाए, ना देद्या प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष तदेक देश से साधारण धर्म दर्शनादेहे स्विषयतया अन्व्यवसाय प्रत्यक्ष जनकत्व अतिव्यापकत्वात् यद तदा ही तादृश कारण जनितम ज्ञानम संशीत परिवसित, तब क्या होगा तादृश कारण जनित जो ज्ञान होगा वह संशय है ऐसा उसका कहना है, इन्हों नहीं हो सकता तथा अतिव्याप्ति ऐसे मानी तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तस्य क्यों साधारण धर्म दर्शनादि है वह जो साधारण धर्म दर्शन आदि है स्व विषय अनुव्यवसाय प्रतिभिजन करता स्व विषय अनुव्यवसाय प्रतिभा कारण होते हैं, इससे अनुव्यवसाय ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगा। तस्य प्रत्यक्ष प्रमितित्व संशयत्व भाव, और वो जो अनुव्यवसाय ज्ञान है प्रत्यक्ष प्रमिति का विषय बन गया, अतएव जो उसका विषय प्रत्यक्ष प्रमिति का ही विषय है, अतएव जो है संशयत्व रहेगा ही नहीं अनुव्यवसाय ज्ञान में, अतएव अतिव्याप्ति। आदिशब्द ने चल आदिशब्द क्या लेना न साधारण धर्म दर्शनादेहे आदेहे है ना, वहाँ पर उसमें आदि का क्या अर्थ लेना, विशेष विशेष स्मरण विशेष दर्शने गृह्यते, विशेष स्मरण और विशेष दर्शन को भी ग्रहण कर लेंगे। उसको लग रहा सामग्री निराशेन अप्रत्यक्ष तदेक देश से अप्रत्यक्ष माना जाए तदेक देश को, तब उस दृष्टि में सामग्री निराश अपने कर दिया तो निरस्तत्व अपने आप संशय ज्ञान का निराश हो जाएगा। न प्रत्यक्ष सिद्धि ना पिनमाता अनुमानता लिंगा बाबा, क्योंकि सामग्री का जो है न प्रत्यक्ष सिद्ध हो पाया न अनुमान से ही है लिंगा बाबा। न च संशय लिंगम, संशय को लिंग मान लो अद्यापि निरूपणादित्यर्थ, उसके बारे में कह चुके हैं वह अभी तक निरूपण ही नहीं हुआ है। नापि तृतीय जात संकरापत्ति है मूल में, अयम स्थाण हो पुरुषो वा इत्यत्र धर्मेश तस्य विज्ञान से निश्चितत्वात् विशेषांश निर्विकल्पांशे च संशयत्वमिति एकस्य विज्ञान से विरुद्ध जाति लिंगिनः प्रसंगात्, क्योंकि जात संकरता इसलिए होगा कि अयम स्थाणु पुरुषो वा, अयम अंश क्या है प्रत्यक्ष है, स्थाणु पुरुषो वा यह हो गया विशेषांश, यदि उनमें से एक को निराकरण कर एक को स्वीकार कर तो विशेषांश हो जाएगा, उभय को रखोगे तो विकल्पांश हो जाएगा, उसमें संशयत्वम उसमें संशयत्व माना जाएगा, तो संशयत्व विरा परमात्म विरा अयम अंश परमात्म है, बाकी विषय अन्य अंश में जो है संशयत्व हो गया, इसीलिए वृद्ध जातित्व आलिंगी होने के नाते जात सांकर दोष हो जाएगा इस ज्ञान में। नापि पंचम के विकल्प हो गया, नापि पंचमे तीसरा जाति विशेषेण वा भेद स्यात्, ये जो था नापि पंचम का तीसरा वो खंडन हो गया। अब नापि षष्ठा करके जो आरंभ में किया हुआ जो छह विकल्प है उसको ले रहे हैं, षष्ठो भी पक्षों निरस्ता, क्यों तस्मात न संशय लक्षण निरुक्ति, क्यों पता नहीं ये तेने कह दिया पूर्व युक्ति से ही ये भी खड़े छठा विलक्षण चला जाता है, अतः वास्तव में संशय के लक्षण के आप निर्वचन नहीं कर सके। ठीक है, जाति विशेषात विशेषित पक्षम दूषित ना पितृतीय थी जाति संकर में विरणोती अयम समृत्यादि ना संशय तो जाति योगी संशयती षष्ठे पे योग्य छठा लक्षण संशयत्व जाति योगी संशय ऐसा लक्षण किया था वह पक्ष में संकर प्रसंगम अतिदिशति एक जातिग्र सांकृत दोष अति प्रवेश हो जाएगा, संशय जाति तो है वहाँ और साथ साथ अयम अंश में प्रमात्र जाति भी है, जात सांकर रूपा जो दोष है वही छठे लक्षण में चला गया। इतना ही नहीं विपर्य व्यय, आपने विपर्य संशय विपर्य का त्यागने के लिए आपने विशेषण जोड़ा था, वो भी जरूरत नहीं है कि विपर्य का भी आप लक्षण नहीं बना सकते, ना भी विपर्य से लक्षण निरुक्ति ही ऐसा अनुभव होगा, विपर्य के लिए आप जो है लक्षण निरुक्ति नहीं कर सकते। तथा ही
मिथ्याध्यवसाय विपर्य इति भूषणकार भाषितम लक्षणम तावत अयुक्तम। मिथ्यात्व निर्वचनात् कि उसका जो विशेषांश है मिथ्यात्व उसका निर्वचन न होने से, जैसे वहाँ भी यही किया था अपने कि अनवधारण ज्ञानम, उसमें अनवधारण का आप जो है ज्ञान का विशेषण अनवधारण वो आप व्याख्या नहीं कर सकते, क्यों अवधारण का निश्चय नहीं आपको, वहाँ आप निश्चय विकल्प जैसे उठा वैसे यहाँ पर उठाएंगे। देखिए मिथ्यात्व का अर्थ क्या है, मिथ्यात्व निर्वचनात्, मिथ्यात्व क्या कहना चाहते हो, तत् किम अप्रमात्म मिथ्यात्म मैंने अप्रमात्मध्यवसाय विपर्य का लक्षण, उत अर्थ व्यभिचारित्व विषय का व्यभिचार होना मैंने विषय व्यभिचारी अध्यवसाय ऐसा करना विपर्यास हो जाएगा। अथ उपदर्शित अर्थ अप्राप्तत्व ज्ञान के द्वारा जो दर्शित अर्थ है विषय उसकी प्राप्ति न होना उसका नाम मिथ्यात्व, तार्श ज्ञान का तादर निश्चय अध्यवसाय का नाम विपर्य हो जाएगा। ऐसे मिथ्यात्व का लक्षण कर रहे हैं और उसके साथ के साथ अध्यवसाय जोड़ लेना तब पूरा लक्षण हो जाएगा विपर्यास का। अर्थ क्रिया शून्यार्थत्व अर्थ क्रिया शून्यार्थता जिसमें है ऐसा का ऐसे अध्यवसाय का नाम विपर्य माना जाए। आद्य कल्पेश्वति व्याप्ति रव्याप्तिश्चान्त्ययोर्द्वयोः न मिथ्याध्यवसायत्व विपर्यासस्य लक्षणम्। आद्य कल्पेशु तीन है, पहला चार लक्षण में से पहला तीन को ले लेना, प्रथम द्वितीय तृतीय उन तीनों में अतिव्याप्ति है, इतना ही नहीं अंतिम दोनों में मैंने तीसरे और चौथे में अव्याप्ति है, अतः तीसरे में दो दोष आया अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, इसे वहां पर इन्होंने कहा च प्रयोग किया अव्याप्तिश्च अंत्योर्द्वयोः, तीसरे के लिए च कहा गया, तीसरे में दोनों है अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, ये पहले तो आदित्य बोल ही चुके हैं तीसरे में तो अव्याप्ति आएगा, अंतिम दो कह दिया तो उसमें अतिव्याप्ति भी आ तीसरे में। अब एक एक का खंडन करेंगे, नाद्य अप्रमात्म सति अध्यवसाय रूपायाम स्मृतौ अतिव्याप्ते है, अप्रमात्म सति अध्यवसाय रूपायाम अप्रमात्म सति अध्यवसाय रूपत्वम, ऐसा यदि आप लक्षण कर दोगे स्मृति में चला जाएगा, स्मृति में क्या है अप्रमात्म सति अध्यवसाय रूप है न द्वितीय हो, दूसरा भी नहीं कह सकते। दूसरा क्या था, अर्थ का व्यभिचार होना, अर्थ व्यभिचारित्वम देशतः कालतः अर्थ व्यभिचारिषु प्रमाण ज्ञानेषु अपि विपरीत प्रसंगात, घटादि के जितने भी ज्ञान है कहीं देशतः व्यभिचारी है कहीं कालतः व्यभिचारी है, अर्थ का व्यभिचारी तो लक्षण फिर तो प्रमाण ज्ञान में चला जाएगा। न तृतीय हो चंद्र तारक आदि प्रमाण ज्ञान स्मृति में रह सकते हैं। तीसरा क्या था, उपदर्शित अर्थ अप्रापकत्व, उपदर्शितार्थ अप्राकत्व अप्रापकत्व था तीसरा पक्ष, वो भी नहीं हो सकता क्यों, उपदर्शित जो ज्ञान उपदर्शित अर्थ क्या है चंद्र तारे आदि वो कभी प्राप्त होते किसी को, चंदा मामा आ जाओ कहाँ आता है, कभी आता ही नहीं वो मामा तो वही रहता है, हर बच्चे को बोलते माता वो देखो चंदा मामा कितना सुंदर है, तो बहुत प्यार से तुमको देख रहा है, वाह 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 बोलेंगे, वो आते ही नहीं अप्रापक है वो तो। इदम रजतम इत्यादि ज्ञान च उपदर्शित इदम अंश प्रापकत्वाद अव्याप्तिश्च, देखो अव्याप्ति में घटा दिया, इदम रजतम इत्यादि ज्ञान में क्या है उपदर्शित जो इदम अंश में अप्रापकत्व नहीं रहा ना, प्रापकत्व है प्राकत्व अव्याप्त है, अप्रापकत्व लक्षण नहीं किया विपरीत स्थल में अव्याप्ति भी हो गई। नापि चतुर्थ अब अंत वाल लेंगे, हाँ अर्थ क्रिया शून्यार्थत्व विशिष्ट अध्यवसायत्व विपर्यत्व मिथ्या अहि दंश प्रति सूर्यकादि अनेकार्थानां निधन प्रकाशनाद्यर्थ क्रिया दर्शना, मिथ्या सर्प के दंशने से भी मृत्यु देखा गया है लोगों का, झूठे सामने काट दिया मर गया और सच्चा सांप काटा और मरा नहीं दोनों देखने को मिलता, और कहते प्रति सूर्य का आदि प्रति सूर्य दर्पण से आपने सूर्य को दिखा दिया उसे भी तो प्रकाश हो जाता है चीज, आप अंधकार की चीज ढूंढ सकते कमरे के अंदर क्या क्या नहीं है और प्रति सूर्य है, जलस्थ हो दर्पणस्थ हो ये सब सूर्य है, अब वहाँ जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़े वो प्रतिबिंब यहाँ ही कमरे में आ जाएगा, प्रतिबिंब में क्या होगा ये प्रति सूर्य का किरण है उससे वस्तु का प्रकाशन होता है, अर्थिकारित्व है अभाव तो है नहीं यहाँ, इस अर्थ क्रिया दर्शनार्थ
न च ज्ञानमेव अर्थक्रियाकारी नार्थ इति न वाच्य। अरे उन सब जगह में ज्ञान अर्थक्रियाकारी वह वस्तु नहीं। न च ज्ञानमेव अर्थक्रियाकारी नार्थ इति न वाच्य। ज्ञान को अर्थक्रियाकारी मानो विषय को नहीं, ज्ञान के कारण से उसको नुकसान हुआ या मरा या प्रकाशन हुआ, ऐसा मत कहो। ज्ञान स्थित हेतुत्व अति प्रसंगत, ज्ञान मात्र को कारण मान लोगे अति प्रसक्ति होगी। क्यों? अर्थ विशिष्ट से तद हेतुत्व। अब ऐसा कहूंगा फिर अर्थ विशिष्ट ज्ञान कारण, केवल ज्ञान नहीं अर्थ विशिष्ट ज्ञान कह देंगे तब कहोगे तो फिर अर्थ को भी कारण मान लिया तद हेतुत्व आप आता। तदेव तृतीय चतुर्थी ओर अव्याप्ति ही, इस प्रकार से अव्याप्ति हो जाती है। यहाँ तक टीका एवं संशय निरुक्ति उपपाद्य विपर्य अनुरुक्ति प्रतिज्ञाता उपपादयति। संशय का निरुक्ति को संपादन करके और विपरीत का भी अनुरुक्ति को प्रतिज्ञा जो की गई थी उसका संपादन करने के लिए उपपादन करने के लिए आरंभ करते हैं। नाप विपरीसी थी प्रमाण ज्ञान संशय और मिथ्याध्यवसाय पदाभ्याम निराशा। और मिथ्याध्यवसाय दो पद है ना, अध्यवसाय शब्द से क्या हुआ संशय का अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया और मिथ्या शब्द से प्रमाण ज्ञान में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। तो प्रमाण ज्ञान और संशय इनमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए मिथ्या और अध्यय शब्दों के द्वारा निराश किया गया। तो उपदर्शित थी यद विज्ञान स्वयं प्रकाशित अर्थम न प्रापयितुं शक्नोति स विपरीति किम विवक्षितम अर्थ विवक्षितम इत्यर्थ। क्या ऐसा आप लक्षण विवक्षित आपके मत में, ये पूछने का अभिप्राय किस पक्ष में कह रहे हैं? उपदर्शित अर्थ, उपदर्शित अर्थ अप्रापकत्वम तीसरा पक्ष है ना, उपदर्शित अर्थ अप्रापकत्वम। उसके लिए यद विज्ञानम स्वेन न प्रकाशितम अर्थम न प्रापयितुं शक्नोति उसका नाम सब है यही तुम्हारा विवक्षित अर्थ है इस लक्षण का, ये पूछ रहे। अर्थक्रिया इत्यत्र उत्तरार्थ शब्दो विषय पर अर्थक्रिया शून्यार्थत्व दो अर्थ शब्द आ गया ना इस लक्षण में, दो अर्थ शब्द आया है शून्य में दीर्घ मात्र अर्थ तम ये डालना जरूरी। तभी दूसरे अर्थ शब्द की बात बोल रहे हैं, पहला अर्थ शब्द तो जानते सब प्रसिद्ध है अर्थ क्रिया शब्द से। इत्यत्र उत्तरार्थ शब्दो विषय पर समासश्च बहुव्री, इसे समास शब्द समास है करके बहुव्री समास करना सर्वपक्ष, क्योंकि पहला अर्थ का अर्थ प्रयोजन हो जाएगा प्रयोजन और क्रिया। ये अर्थ क्रिया शून्य विषय है, ऐसा विषय है दूसरा शब्द अर्थ विषय कर दिया, मैंने प्रयोजन और क्रिया संबंध रहित विषय है किसका, ऐसे ज्ञान को विपरीत ज्ञान कहते हो, ये लक्षण बने। सर्वपक्षेषु दूसराणि श्लोकेन संग्रह्णाति आद्येति प्रथम द्वितीय तृतीयेषु अतिव्याप्ते है अंत्योः माने तृतीय चतुर्थ और अव्याप्तियोजना चस्तु न च है ना वहाँ पर तृतीय पक्ष से अतिव्याप्ति समुच्छिनोति तृतीय पक्ष में अतिव्याप्ति का भी समुच्चय कर देगा। संग्रह विवृणति नाद्य इत्यादि ना अप्रमात्म मिथ्यात्म अप्रमात्म मैंने मिथ्यात्म पक्षे अप्रमारूप अध्यवसायो विपर्य ये लक्षण मनुक्तम सैत तथा च स्मृतावती व्याप्तरित अप्रमात्वेति अतीतादि ज्ञानानाम अर्थ व्यभिचारिणाम अध्यवसाय रूपाणाम विपर्यत्व आपत्या अतिव्याप्ते है द्विपक्षोप्यनुपन्न इत्याह। अतीतादि ज्ञान नाम अर्थ व्यभिचारिणाम अतीत ज्ञान का स्मृति हो रही है और अतीत ज्ञान का जो विषय है अब है नहीं वर्तमान है अपने आप, तो उसकी जो स्मृति हुई है वो कैसा है अध्यवसाय रूपाणाम वो स्मृति तो निश्चय हो रहा है निश्चयात्मक स्मृति है उस ज्ञान का। विपरीत्व आपत्या उसे विपरीत्व के लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई। द्वितीय पक्ष को भी अनुपन कहते हैं देशत इति चंद्र तारके इति। दूसरा क्या था वह लक्षण अर्थ व्यभिचारित्व मैंने अर्थ व्यभिचारित्व विशिष्ट अध्यवसायित्व ये यदि लक्षण लोगे तो कहाँ चला जाएगा वो चंद्र तारके इति वो आगे आ गया लेकिन उससे पहले आया देशता कालतः अर्थ व्यभिचारिषु प्रमाण ज्ञानेशु अहिंगठ इत्यादि ज्ञानों में विपरीत आपत्ति अतिव्याप्ति हो गई। फिर तीसरे के लिए न तृतीय के लिए चंद्र तारके इति नहीं तदर्थ ज्ञान समय प्राप्त शक्यन्ते चंद्र तारक आदि ज्ञान जिस समय हो रहा है उस समय उसके अर्थ का प्राप्ति नहीं हो सकता
ज्ञान काल में ही अर्थ प्राप्ति नहीं है। इति पूर्वमेव उक्तम, यह बात पूर्व में भी सिद्ध कर चुके हैं। इति भाव अस्य पक्ष से अव्याप्ति चाह, उसी तीसरे पक्ष में अव्याप्ति भी है, इदम रजत मिथ्या स्थल में। चतुर्थे अव्याप्ति माह मिथ्या दंश इति अस्तिता मिथ्या ही दंशादपि कस्यचित मरणम। ठीक है, और दर्पणादि प्रतिबिंबित सूर्य प्रकाशकत्वम है ना अनुभव ठीक। उपसूर्यम वा दृश्यमान सूर्य प्रति सूर्य का, ये समासिकार है। उपसूर्यम वा सूर्य के समीप में कोई चीज आपने पकड़ लिया, उसमें जो दिखाई दे रहा है दृश्यमान है सूर्य, वो प्रति सूर्य कहा। तस्यापि उपरी नरपतिम इत्यादि शास्त्रात् मरणादि हेतुत्व अवगमात् प्रकाशकत्वाच्च अतः तत्र तस्यापि उपरी नरपतिम। कोई है ऐसे गधे के ऊपर राजा को बैठा हुआ देखे, कोई स्मृति ग्रंथ है शास्त्र में ऐसे सब दर्शन होने पर मृत्यु का सूचक होता है। जैसे अभी आपने कहा ना दो आपने सूर्य देख लिया तो भी होता है, सूर्य के समीप दूसरा सूर्य देख लिया तो भाई आपका ही बात आई प्रति सूर्य, वो भी अर्थ ले रहे सूर्य के समीप में दूसरा सूर्य देखा तो वो मृत्यु का कारण बनता है, ये भी एक हो गया। और तस्यापि परि नरपतिम, और उसके ऊपर राजा बैठा हुआ देख लिया फिर तो और पक्का हो गया राजा से, राजा तुमको फांसी देगा। इत्यादि जो है शास्त्र से मरणादि हेतुत्वगमात प्रकाशकत्वाच्च अत तत्र त्वद अभिमत मिथ्यात्व भावाद अव्याप्तिरित्यर्थः। ननो कथम अव्याप्तिर्यावता तत्रापि अर्थस्य अर्थक्रिया शून्यत्वात् ज्ञानस्युत हेतुत्व इति तत्राह। कथम अव्याप्तिर् यावता तत्रापि अर्थस्य अर्थक्रिया शून्यत्वात् ज्ञानस्युत हेतुत्वादिति। क्योंकि जो अर्थ है वह अर्थ क्रियाकार शून्य होता ही है ज्ञान से हेतुत्वात्, बल्कि ज्ञान ही वास्तव अर्थ क्रियाकारिता के प्रति कारण होता है। तत्राह न चेति कि ज्ञान मात्रम मरणादि हेतु हो तादृगर्थ विशेषत्वं वा, ज्ञान मात्र मरणादि कारण बन रहा है या तो विषय विशिष्ट ज्ञान मात्र कारण बन रहा है। आद्य प्राज्ञाने थी वो नहीं हो सकता, ज्ञान मात्र को किसी भी अन्य ज्ञान में भी चला जाएगा, यथार्थ ज्ञान में भी चला जाएगा। यथार्थ ज्ञान हो रहा है आपको कि सांप है और सांप काट रहा है मृत्यु हो रही है तो यथार्थ में हो रहा है, उसे भी अतिव्यक्ति हो जाएगा, वहाँ भी अर्थ क्रिया कारित्व है। अर्थेति द्वितीय प्राह अर्थेति प्रतिपायिता अंतिम योर अव्याप्ति उपसमर्दी तद्देव तृतीय अव्याप्ति एतेना एक कोटि अवलंबो जाग्रतो मिथ्याज्ञान विपर्य इति श्री वल्लभियम अभिलक्षणम निरस्तम मिथ्यात्व निरुक्ते है। इसके द्वारा एक कोटि अवलंबी जाग्रतो मिथ्याज्ञानम ऐसा को विपर्य लक्षण उन्होंने बनाया, लेकिन उसको कह रहे हैं वो भी इसे खंडन होगा कि वहाँ भी इस लक्षण में भी मिथ्यात्व शब्द है और मिथ्यात्व निरुक्ति नहीं कर पाए हैं अभी तक, इसलिए लक्षण भी खंडित हो गया। एवं भूषणकार लक्षण दूषयित्वा उद्योत्कर अभिमतम दूषयति, इस पर भूषणकार लक्षण उसके साथ से वल्लभ का भी लक्षण को खंडन करके अब उद्योत्कर का लक्षण खंडन करने आरंभ करते हैं। अतस्मिन् इत्यादि ना अतस्मिंस्तद् इति प्रत्यय विपर्य इति उद्योत्करीयम अपि लक्षणम अयुक्तम। क्यों अतिव्याप्त है भवति ही वल्मीकादो स्थाणुरा पुरुषवैत संशय न स्थान न पुरुषेति उभय बाह्य दर्शनार्थ अतस्मिंस्त इति प्रत्यय। प्रत्यय विपर्य उल्टा छप गया है, प्रयत्य हो गया प्रत्यय के लिए। तो भवती इस वल्मीकादो, वल्मीक में भी बड़े बड़े वल्मीक खोड़ा हो जाते हैं ना, बांबी होता है वो कभी कभी बहुत ऊंचा ऊंचा भी हो जाते हैं, उसके बीच बीच से निकल आता है इधर उधर एक दो, ऐसे दिखता है तो ऐसा लगता है कोई वहाँ ठूंठ है या आदमी है। इन बार में क्या हुआ संशय का बाद जब हुआ एक पक्ष प्रमाण होना चाहिए, इन्हें नहीं हो रहा है, दोनों ही खंडित हो रहा है। न स्थान और न पुरुषेति उभय बाद दर्शनात् अतस्मिन् स्थिति प्रत्यह, या भी अतस्मिन् तत्प्रत्य दिख रहा है लक्षण, न चास विपर्य इन वास्तव विपर्य का लक्षण नहीं है। अतस्मिन् इति च स्व अत्यंत भाव अधिकरण तत्, यदि ऐसा कहोगे अतस्मिन् तत्कार क्या है वह जिसमें नहीं है, स्व के अत्यंत भाव का अधिकरण में उसको देखना। यदि प्रत्यय विवक्षायाम संयोग विभाग
ಶಬ್ದ ಆತ್ವಿಶೇಷ ಗುಣೇಶಿಷೋ ಪ್ರದೇಶ ವೃತ್ತಿಶೋ ಸ್ವಾತ್ಯಂತ ಭಾವ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣೇಶೋ ಪ್ರಮಾರೂಪೋಪಿ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಿಪರ್ಯ ಸ್ಯಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯ ಸಬ್ ಸಂಯೋಗ ಹೇ ವಾ ಭಿ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ಮೇ ಸ್ವಾತ್ಯಂತ ಭಾವಧಿಕರಣ ಭೀ ಬೈಠಾ ರಹತಾ ಹೈ, ಈ ಭಾವ ಭಿ ಸ್ವಾತ್ಯಂತ ಅಧಿಕರಣ ಬೈಠಾ ರಹತಾ ಹೈ, ಶಬ್ದ ಭಿ ಸ್ವಾತ್ಯಂತ ಭಾವಕ ಅಧಿಕರಣ ಬೈಠಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಆತ್ಮಕ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಭಿ ಐಸೆ ಹೀ ಪ್ರದೇಶ ವೃತ್ತಿಶೋ, ವೈಸ ಪ್ರದೇಶ ವೃತ್ತಿ ವಾಲೆ ಹೇ ಯೇ ಸಬ್ ಪದಾರ್ಥ ವಿಷಯ ಕೈಸೆ ಹೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೇ, ಇನ್ಕಾ ಜೋ ಅಧಿಕರಣ ಹೇ ವಾ ವ್ಯಾಪಕ ಹೇ. ಇಸೆ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವ ಅಧಿಕರಣ ಮೇ ಹೀ ಸ್ವಾತ್ಯಂತ ಭಾವ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಸ್ವಾತ್ಯಂತ ಭಾವ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ಶೋ ಪ್ರಮಾರೂಪೋಪಿ ಇನ್ನೇತದ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಜಿತ್ತನೆ ಭೀ ಸಬ್ ಪ್ರಮಾರೂಪ ಹೇ, ಒನ್ನೇ ಆಪಕೆ ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣ ಚಲಾ ಜಾಯೇಗಾ. ಏತೇನ ಬಾಧ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ದುಷ್ಟಕರಣ ಜನ್ಯಂ ವಾ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಪರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಪಿ ನಿರಸ್ತಾಂ. ಇಸಿಗೆ ದರ ಉಂಕಾ ಭೀ ಖಂಡನ ಹೋಗಿ ಸಮಜಲೇನಾ. ಬಾಧ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜೊ ಬಾಧ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ನಾ ವಿಪರ್ಯಯ ಹೇ, ಬಾಧ್ಯ ಕಾ ಭೀ ಅಧ್ಯಾ ಹೇ ವಿನಾಶ ಲೋಂಗೇ ತೊ ಇನ್ನೀ ಛಪ್ಪೆ ಜಾಯೇಗಾ. ಸಭಿ ಭಾಗ ಸಭಿ ಮೇ ಅತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇ, ಅವ್ರ ಬಾಧ್ಯಗತ ವಿನಾಶ ಕಲ ಅವ್ರ ಕೋಯಿ ಸೂತ್ರ ಹೇ ನೀ ದೂಸರ ಅರ್ಥ ಭೀ ನೀ ಲೇ ಸಕ್ತಾ ಹೋ. ಯಾ ವೋ ತೋ ಅನಿರ್ವಚನೀವಾದ ಮಾನ್ತಾ ನೀ ನಾ, ಇಸ್ಲೇ ಉಸ್ಕೋ ತೋ ವಿನಾಶ ಹೀ ಮಾನ್ನಾ ಪಡೆಗಾ. ಅನಿರ್ವಚನೀ ಮೇ ತೋ ಯಾ ಕೇ ಭೈ ಬಾಧ್ಯತಾ ಕಾ ಬದಲೇ ಕೇ ವಸ್ತು ಕಾ ನಾಶ ನೀ ಹೇ, ವಸ್ತು ಕಾ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾ ಬಾಧ ಹೋತಾ ಹೈ, ಯಥಾರ್ಥ ತೋ ಪ್ರತೀತಿ ಬಾಧ ಹೋತಾ ಹೈ ಕೇವಲ, ಉಸ್ಕೇ ಅರ್ಥ ಅಲಗ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಇನ್ ಯಾ ತೋ ಇನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಅವ್ರ ಕೋಯಿ ನಾಶ ಅರ್ಥ ಲೇನಾ ಪಡೆಗಾ ವೋ ಘಟೇಗಾ ನೀ. ಇನ್ನೀ ಮೇ ದುಷ್ಟಕರಣ ಜನ್ಯಂ ವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತಿ ಲಕ್ಷಣ ನಿರಸ್ತಾಂ ಕ್ಯೂ ಸಂಶಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ ದರ್ಶಿತತ್ವಾದ. ವಿಶೇಷತರ ಸಂಶಯ ಮೇ ಭೀ ಅತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇ, ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಭೀ ಬಾದ ಹೋತಾ ಹೈ, ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ದುಷ್ಟಕರಣ ಜನ್ಯ ಹೋತಾ ಹೈ. ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಶಯ ಮೇ ಚಲಾ ಗಯಾ. ಅವು ಇತ್ರೇನೇ ವಾಸ್ತವ ಬಾದ ಕಿ ಭೀ ಆಪ್ ನಿರುಕ್ತಿ ನೀ ಕರ್ ಸಕತೆ, ಬಾದ ಅನಿರುಕ್ತಿಶ್ಚ ಜಿಸ್ಕೇ ದ್ವಾರ ಬಾಧ್ಯ ಹೋ ಗರೆ ಹೋ. ಬಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೋ ತಬ್ ತೋ ವಸ್ತು ಕಾ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಬಾಧ್ಯ ಹೋ ಸಕತಾ ಹೈ, ಏನು ಬಾದ ಕೈ ನೀವು ಆಪ್ ಜೊ ನಿರೂಪಣ ನೀ ಕರ್ ಸಕತೆ. ಅಬ್ ಬಾದ ಅನಿರುಕ್ತಿ ಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕರೇಗಾ. ಉಸ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಇಸ್ಕೋ ದೇಖಿಯೆ, ವಲ್ಮೀಕಾದೋ ಸ್ಥಾಣುತ ಪುರುಷತ್ವ ರಹಿತ ಸ್ಥಾಣುರ್ವಾ ಪುರುಷೋ ವಾ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಹ ತಾವತ್ ಅತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತ್ಯೋ ಭವತಿ. ಇವೇ ಅತಸ್ ತತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ತು ಹೀಯ ಲಕ್ಷಣ ತುಸ್ಮಜಾರಾ ಹೇ. ನಚ ವಿಪರ್ಯಸೋ ಸಂಶಯತ್ವಾತ್, ಏನು ವಿಪರ್ಯಾತ್ಮಕ ನೀ ಹೇ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ಹೇ. ಅಥೋ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿರಿತ್ಯರ್ಥ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಬ್ದೇನ ಅವಧಾರಣ ವಿವಕ್ಷಿತ ತೇನ ನ ಸಂಶಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್. ಆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಬ್ದ ಅವಧಾರಣ ಮಾತಲ್ಲೋ ಅಸಲಕ್ಷ ನೀ ಕರುಂಗಾ ಮೈ ಏ ಕಾತಾ. ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಬ್ದೇನ ಅವಧಾರಣ ವಿವಕ್ಷಿತ ನಾನು ಇತಿ ತೇನ ನ ಸಂಶಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಬ್ದ ಅವಧಾರಣ ಲೇ ಲೂಂಗಾ ತೊ ಸಂಶಯ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕ್ಯೂ ಅಸಂಶಯ ತ ಅವಧಾರಣ ನೀ ಹೇ ನಾ, ಅನ್ಯತರ ಪಕ್ಷ ದೀಖ ರಾಯ ಅವಧಾರಣ ನೀ ಹೇ. ಇದು ಮನವಾನಂ ಪ್ರತ್ಯ ಅತಸ್ಮಿನ್ ಇತ್ಯಾದೀನ ಇದು ಜ ಸ್ವ ಅತ್ಯಂತವಾಧಿಕರಣೇ ತದ್ ಐತಿ ಐಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕರೋಗೆ ಫಿರ್. ಪ್ರತ್ಯ ಇದು ಕೋರ್ತಃ ಯತ್ತದ ಅತ್ಯಂತವಾಧಿಕರಣ ತದ್ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಇತಿ ತಥಾಚ ಮಾಭೂತ್ ಸಂಶಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಭಲೇ ಇಸ್ಮೇ ಸಂಶಯ ಭಲೇ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀ ಹೋಗ, ಲೇಕಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಬ್ದೇನ ಅವಧಾರಣ ಸಿವಿಕ್ಷಿತತ್ವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಬ್ದನ ಅವಧಾರಣ ಲೈಲಿ ಆಯ ಆಪ್ನೆ ಜಬ್ಬ. ತಥಾಪಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನೇಶು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಕೌನ್ಸ ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನ ಜೋ ಪ್ರದೇಶ ವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣೇಶು, ಪ್ರದೇಶ ಮೇಲೆ ಏಕ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶೇಷ ಮೇಲೆ ರಹನೆ ವಾಲ ಜೋ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಜೈಸಾ ಸವಿಭಾಗಯೋಶ್ಚೋ ಸ್ವತ್ಯಂತ ಸಮನಾಧಿಕರಣತೆಯ ತತ್ ಪ್ರಮಿತೀನಾಂ ವಿಪರ್ಯತ್ವಾಪಾತಾತ್ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಏತೇನ ಇತ್ಯಸ್ಯೇವ ವಿವರಣಂ ಆಹ ಸಂಶಯ ಇತಿ, ಉಸಿಗೆ ವಿವರಣ ಕರೆದ್ಯ ಸಂಶಯ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ ನಿದರ್ಶಿತತ್ವಾತ್. ಸೋಪಿ ಬಾಧ್ಯೋ ದುಷ್ಟಕರ್ಣಜನ್ಯಚ್ಛ ಇತಿ ಭಾವ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಕ್ತಲೇನು ಬಾಧ್ಯ ದುಷ್ಟಕರ್ಣಜನ್ಯ ಹೋನೆ ಸೆ ಏನಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ. ಅಥ ಅತ್ರಾಪಿ ಜ್ಞಾನಶಬ್ದೇನ ಅವಧಾರಣ ಅವಿವಕ್ಷ, ಭಾವಿ ಜ್ಞಾನಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವಧಾರಣ ವಿವಕ್ಷ ಕರೋಗೆ ನೀ ಕರೋಗೆ ತನ್ನ ತದನುಕ್ತೇರ್ ವರ್ಣಿತತ್ವಾತ್. ಕಿಂ ಅನವಧಾರಣ ಜ್ಞಾನಂ ಸಂಶಯ ಏ ಉಠಾಯತನ, ಅನವಧಾರಣ ಕೋಯಿ ನಿಶ್ಚಯ ನೀ ಕರ್ ಪಾಯಾತ. ಅನವಧಾರಣ ಕ್ಯೂ ನಿಶ್ಚಯ ನೀ ಹೋ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅವಧಾರಣ ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ನೀ ಹುವಾ, ಐಸ ಕರ್ಕೆ ಲೇಕ ಉಸ್ಕೋ ಆಧಾರ ಪರ ಲೋ ರೇ ಯಾ ದೀರ್ಘ ನೀ ಹೋ ರಾಜ. ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದೇನ ಅವಧಾರಣ ವಿವಕ್ಷ ಚೇತ್ ತನ್ನ ತದನುಕ್ತೇರ್ ವರ್ಣಿತತ್ವಾತ್. ಭವತು ವಾ ಇದು ಮಾನ್ ಬಿಲೇ ಜಾಯ್, ತಥಾಪಿ ಬಾದನುಕ್ತೇರೇವ ಇದಂ ದುಷ್ಟಂ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಬಾದ ಕಿ ನಿರುಕ್ತಿ ನ ಹೋನೆ ಸೆ ಯಾ ಲಕ್ಷಣ ಭಿ ದೂಷಿತ ಹೋ ಗಯಾ ಹೇ ಇತ್ಮಿತಿ ಅಭ್ರತ್ಯ ಬಾದ ನಿರುಕ್ತಿಶ್ಚ ಎ ಕಹ ದಿಯಾ ಗಯಾ. ಪೂರ್ವಮೇವ ಬಾಧಿತ ವಿಕಲ್ಪ ದೂಷಿತಂ ತಥಾಪ್ಯತ್ರ ಭಂಗ್ಯಂತರಣ ದೂಷಣ ಕ್ರಿಯದೆ, ಯದಿ ಪೂರ್ವಮೇವೇ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ವಿಕಲ್ಪ ಠಾಕರ ದೋಷ ದಿಯಾ ಥಾ ಫಿರ್ ಭಿ ಏಕ ಆರ್ ದೂಸರೆ ನಯ ಭಂಗಿ ಅಂದರೆ ಭಂಗಿ ಮನೆ ನಯ
दूसरी एक युक्ति को लेकर के भी हम इसे दोष देना चाह रहे हैं, इसे दोबारा उठा रहे हैं हम इसको पूर्वोत्तरेति। अब जाएंगे मूल में, किम विरोधी प्रमाण ज्ञानम बाधा किम वा विपरीत विरोधी प्रमाण ज्ञानम विषय अपहारो वा आद्य पूर्वोत्तर प्रमाण ज्ञानानाम वध्य घातक लक्षण अति व्याप्ति ही। विरोधी प्रमाण ज्ञान का नाम बाध है, दो विरोधी प्रमाण ज्ञान हो जाए तब एक दूसरे का बाध करेंगे वो। क्यों वह विपरीत विरोधी प्रमाण ज्ञान, विपरीत के विरोधी जो प्रमाण ज्ञान है उसको हम बाध कहेंगे केवल। अतः जिस प्रमाण ज्ञान का विषय का पार विषय अपहार हो तो विशिष्ट जो प्रमाण ज्ञान उसका हम बाध कहेंगे। ये तीनों ही पक्ष नहीं हो सकता, क्यों आद्य पूर्वोत्तर प्रमाण ज्ञान नाम वध्य घातक लक्षण अतिव्याप्ति स्यात्। पूर्वोत्तर प्रमाण ज्ञानों का वध्य घातक रूप जो है दोष स्थलों में अतिव्याप्ति हो जाएगा। पहले विचार आया था वध्य घातक भाव, द्वितीय परस्पर आश्रिता, दूसरा पक्ष लेंगे अन्योन्याश्रय दोष होगा। प्रमाण ज्ञान विपर्य का विरोधी है, विपर्य का विरोधी प्रमाण ज्ञान से बाध का निश्चय हुआ और बाध ज्ञान का निश्चय हुआ तो विपर्य का लक्षण निश्चय हो रहा है। बाध स्वरूप निश्चय के लिए विपर्य का जानना जरूरी है और विपर्य के निर्णय के लिए बाध को जानना जरूरी है, परस्पर अन्योन्याश्रय दोष कहा गया। न तृतीय हो और तृतीय भी नहीं हो सकता, तृतीय कौन था विषय अपहारो वा तथा ही विषय अपहारो नाम पूर्व ज्ञान उपदृश अर्थ असत्व बोधन मात्रम उत तथा प्रमिति ही। पूर्व ज्ञान उपदर्शित अर्थ के असत्व बोध मात्र को लोगे या असत्व का प्रमाही को ले लोगे। उत यद देश काल विशिष्ट यद प्रतितम तस्य तत्रैव असत्व बोधनम इति। नाद्य नायम देवदत्तो न जीवती विभ्रम प्रत्येन देवदत्तादि प्रत्यानां बाह्य तत्वेन अप्रमात्त प्रसंगात्। नायम देवदत्तो न जीवति इति विभ्रम प्रत्येन, यह देव जीवित नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मैंने अवश्यम भावी जीवित, ऐसा किसको ब्रह्म ज्ञान हो गया देवती मरणोत्तर काल में। देवतादि प्रत्यानां बाह्य तत्वेन ऐसे देवता के प्रतिपादित है तो अप्रमात्त प्रसंगात् इनमें अप्रमात्त हो जाएगा, प्रमाण में अप्रमात्व चला जाएगा। न द्वितीय देशांतर कालांतर हो तदसत्व प्रमित्या घटादि ज्ञानानाम अप्रमात्व प्रसंगात्। उसके प्रमाण लेंगे तो इसे उसके प्रमाण को ले तो अप्रमात्व में अतिव्याप्ति नहीं आएगा। कहते न द्वितीय हो देशांतर कालांतर हो तदसत्व प्रमित्या घटादि ज्ञानानाम अप्रमात्व प्रसंगात्। घटादि ज्ञान में अप्रमात्व की प्रसक्ति हो जाएगी। ना भी तृतीय तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं, जो कहा था उसने यह देश काल विशिष्ट करके जो प्रतीत हुआ उसी देश काल में उसका असत्व का निश्चय हो जाना ये भी ठीक नहीं, क्यों देश काल विषय बाधेश अव्याप्त है कि देश काल और विषय देश का भी बाध हो रहा है जहाँ काल का भी बाध केवल विषय नहीं और उसी देश में उसी काल में कह रहे मान लो देश काल भी बाध हो जाए तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा फिर आपका। देश काल और देश कालांतर भाव समस्या है कि एक देश का वह देशांतर नहीं हो सकता, काल का कालांतर हो नहीं सकता क्योंकि ये सब नित्य माना गया इन लोगों के मत में। यद आदि शब्दारांच सर्वविषयत्व कथविषयत्व अव्याप्ति रेव और ये जो यद का प्रयोग कर दिया यद देश यद काल यस्य प्रतिदि तद देश तत्काल तस्य बाद ऐसा जब लोग यद का जो शब्द प्रयोग हो जाता है वहाँ पर कोई नियत लक्षण नहीं रह जाता है तो सर्वविषयत्व यद क्या है सर्वनामवाचक है सभी कथ्योतक है सर्वविषयत्व कतिपय उसमें से प्रश्न उठेगा कतिपय विषय लोगे या सभी को लोगे। कतिपय विषयत्व च अव्याप्ति रेव चाहे सर्वविषय ले लो चाहे कतिपय विषय ले लो दोनों ही दशा में अव्याप्ति होगी। ये तेना फलापहारोपी व्याख्यात कुछ कहते हैं कि नहीं आपने कहा विषयापहार हो कहते फलापहार ऐसा भी किसे लक्षण किया उसका भी इसी युक्ति से खंडन समझना चाहिए। अनुत्पन्न फलस्यापि ज्ञानस्य बाध्यत्व अंगीकाराच्च अनुत्पन्न फल वाला जो ज्ञान है उसे भी बाध्यत्व आपने स्वीकार किया है इसलिए भी अव्याप्ति भी हो जाएगा। विपर्यत्व जाति योगी विपर्य इति उपलक्षण यदि कोई कहे विपर्यत्व जाति वाला योग योगी वस्तु का नाम विपर्य ज्ञान का नाम विपर्य होता है यह नहीं हो सकता। इदम रजतम इत्यादि धर्मेश प्रत्येक जात संकर प्रसंगात वही हेतु है तस्मात न विपर्य से लक्षण पश्याम इस हमें विपर्य का भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक टीका पूर्व में बाध्यत्व विकल्प दूषितम तथा
भंग्यंतरेण दूसरं क्रियते इति पूर्वोत्तर इति यदि विरोधिज्ञानमात्रं बाध तदा पूर्वज्ञानानां उत्तरज्ञान विनाश्यताया बाध्यत्वात् सर्वज्ञानेषु लक्षणं अतिपतेति इत्यर्थः। सब लक्षण में थी कि पूर्व पूर्व ज्ञान को उत्तरोत्तर ज्ञान नाश करता है, न्यायिकादि के मत में आत्मा में निरंतर चलते रहता है। उत्तरोग्रंथ स्पष्टार्था, जिसे आगे का वाक्य स्पष्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं, विषयापहारों में सीधे चला गया, विषयापहारों बाधयति पक्षों पर विकल्पित दूषयति तथा इत्यादि ना तथा प्रमिति रीति पूर्व ज्ञानोपदर्शित अर्थ से असत्य प्रमिति रीति व अर्थ पूर्व ज्ञानोपदर्शित अर्थ का असत्य प्रतीति होना ही बाध है। नायम द्वितीय में जाएगा तब दोष। यदा ही देवदत्ति व जीवदत्ति व प्रतीतिर एकस्य उदेति अपरस्तु भ्रांतः प्राह नायम देवत न च जीवदत्ति। किसी को ऐसा हुआ यदा ही देवदत्ति जीवदत्ति व ऐसा प्रतीति विकल्प हुआ, पहले उठा फिर कहा एकस्य उदेति अपरस्तु भ्रांतः, इसमें एक सही होगा एक गलत होगा ही, तब उसने लेकिन दोनों को बात किया नायम देवता नच जीवती थी तथा उत्तर से बाधकत्व पूर्व से बाध्यत्वाद विपरीतम चस्याद, पूर्व में बाधक उत्तर में बाधकत्व है पूर्व में बाध्यत्व रहेगा, इसे विपरीतम चस्याद विपरीय होगा इति इष्ट सिद्धि कारोक्त अतिव्याप्त रहती इष्ट सिद्धि कारण इस प्रकार का अतिव्याप्ति दर्शाया है। द्वितीय भी अतिव्याप्ति माँ देशांतर थी अनित्यानाम अभिभूनाम कालांतर कालांतर देशांतर और असत्य प्रमितिरस्ती तज्ज्ञानेशु अतिव्याप्तिरित्यर्थः। कि अनित्य नाम अभूनाम पदार्थों का कालांतर और देशांतर उनके असत्य तो निश्चय होता ही हम लोगों को, यहाँ है तो वहाँ नहीं है, वहाँ है तो यहाँ नहीं है, निश्चय आदमी को उन प्रमाओं में अतिव्याप्त हो जाएगा। यदा ही देशां काल विषयो भ्रमो जायते न तत्र तद्बाधस्य उक्तरूपत्वम् इति अव्याप्य तृतीय पक्षम दूषयति। अव्याप्ति वाले तृतीय पक्ष देते क्योंकि देश काल विषय में भ्रम होता है, देश का भी भ्रम हो जाता है काल का भी भ्रम हो जाता है, किसी को सुबह रात लगता है किसी को शाम को जो है सुबह जैसे लगता है, प्रकाश रहता है ना तकड़ा प्रकाश करने से दिन की भ्रांति हो गई रात्रि में, और बादल ढेर लिया पूरा अंधकार सो गए तो दिन में रात की भ्रांति हो जाए। देश देश में तो जानते पूर्व दिशा उत्तर दिशा भ्रम तो होता ही, दिग्भ्रम न च तत्र तद्बाधस्य उक्तरूपत्वम्, लेकिन आपके बाल का लक्षण उक्त रूप का उसमें नहीं जा रहा है यदि अव्याप्त तृतीय पक्षम दूषयति ना तृतीय किंच यद्देश काल इत्यत्र यत् प्रतीतम् इत्यत्र च तस्य तद्देश काल इत्यत्र च यत् शब्दानां सर्वदेश काल सर्ववस्तुपरत्वे सर्वबाध अव्याप्तिः एकैकेन सर्व अबाधात् निष्कृष्ट विशेष विवक्षायां च तद् इतरबाध अव्याप्तरित्याह। यद्देश यत्काल का अर्थ आप क्या लेंगे वहाँ पर बताइए, इत्यत्र यत् प्रतीतिमित्यत्र च तस्य तद्देश काल आपने कहा यत् शब्दों के द्वारा क्या सर्वदेश सर्वकाल सर्व विषय कर लोगे, ये तो असंभव हो जाएगा, सर्वबाध अव्याप्ति ही सकल बाधों का व्याप्ति कभी हो ही नहीं सकती है। और एक एक अनुचेत सर्वाबाधत् एक और एक का बाद होगा सभी का बाद होगा नहीं। और कहोगे निष्कृष्ट विषय विशेष विवक्षायाम मैंने यत्किंचित विषय लो कतिपय विषय ले लो सर्व विषय को मत लो तद इतर बाद अव्याप्त रीत्या हो, फिर जितना विषय का बाद हुआ उसे भिन्न में बाध्य में बाद का लक्षण नहीं किया, अभी बाद होते हैं उसे लक्षण नहीं किया, किंचित आपने लिया जो नहीं लिया उनमें लक्षण न जाने से फिर अव्याप्ति होगी। लक्षणांतरे भी उक्तम दूषणम अति दिशित ये तेरे थी तत्रापि अभिवेदना प्रवृत्तिर उपादानम अर्थक्रिया इति चतुर्विध फलानाम एकैकापहारे सर्वापहारे व अव्याप्तिरिति। तत्रापि अभिवदनम प्रवृत्ति उपादानम अर्थक्रिया इति चतुर्विध फलाना चार प्रकार का फल होता है एकैकापहारे सर्वापहारे व, इनमें से एक एक को हटाने से या सभी को हटाने से तुम बाद को हते हो, सभी को हटा ही नहीं सकते आप, तो एक को हटाएंगे दूसरे में लक्षण नहीं जाएगा अव्याप्ति रह जाएगी इति वा अव्याप्ति इत्यर्थः। इस विषयापहार में है वही फलापहार में भी अतिदेश कर दिया। अव्याप्त्यंतरम च अव्याप्त्यंतर एक और व्याप्ति दिखा अनुत्पन्नेति जिस ज्ञान का फल ही उत्पन्न नहीं हुआ भाग्य होगा प्रवृत्तेषु विपरीत ज्ञानेषु फलम प्राक्तस्य भावात्, क्योंकि जब विपरीत ज्ञान में प्रवृत्त हो जाए तब तो फल मिलेगा उसका, इन प्राक्तस्य अभावात पहले उसका फल तो है नहीं। तच्च अनुत्पादित प्रवृत्ति कम अपि जिसने प्रवृत्ति आदि को उत्पन्न ही नहीं किया
वहीं पर क्वचित बाध्यम दृश्यते, पालयो ज्ञान नष्ट हो गया। जैसे विरक्तादि नाम प्रति ज्ञान तो हुआ और उस विपरीत ज्ञान हुआ, अरे उस विपरीत ज्ञान में प्रवृत्त होकर के वो फल में दुख पाया या सुख पाया और फंसा तब निवृत्त, ऐसे ही नहीं, ज्ञान से होते ही वो निकल गया। एक महात्मा ने पूछा था कि स्वामी जी क्या करें, जो हम लोग भी शहर में इधर उधर घूमना फिरना पड़ता है, बस में ट्रेन में बैठते हैं, कोई सुंदर सा कोई लड़की आ जाए और बैठ जाए तो दिमाग कई बार होता है सुंदर है तो क्या करना चाहिए, कल्पना करने लगता है, कल्पना की जगह भी चल जाए उसके साथ व्यवहार कल्पना करने बैठता है तो क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी ने एक जवाब दिया था, देखो यही समझना, उससे बोलना हे ईश्वर तुम्हारी माया गजब है, तुम्हारी यह माया गजब तुमने बना रखी है, पता नहीं किसके लिए बनाया और मेरे सामने रख दिया, पता नहीं तुमने किसके लिए बनाया और मेरे सामने परोस दिया, यह गजब है आपकी माया। ये भाव करो तुम्हारा जो वासना है भोग आदि की अपने आप निवृत्त हो जाएगा, बस ये चिंतन लाओ वो कट जाए। हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया कई बार ट्रेन में इधर उधर में, सचमुच फिर दिमाग में वो हट जाता है, उसके अंदर सुंदरता भाव और सारी चीज़ें दिमाग वासना जगना पर खत्म हो जाता है, ईश्वर की माया है। फिर कल्पना जगत में नहीं जाएंगे आप, फिर अपने लक्ष्य में ही रहेंगे, ये विशेषता है। वो यहाँ पर कह रहे देखो प्रवृत्ति नहीं हुआ उस विरक्त आदमी बेचारा, तथा व्याप्त तीर्थ लूस ज्ञान में जो फल ही नहीं दिया, फलापर का नाम अपने का बाद तार बाद विशिष्ट का नाम विपरे, लक्षण तो गया नहीं उसमें, अव्याप्ति हो जाएगी। अस्तुतरी विपर्यत्व जाति योगी विपर्याय थी तथा अविपर्यति संशयत्व समान योग क्षेम भाव, ये संशयत्व में आपने दिया जात सांकर दोष, विपर्यत्व को लेकर जात सांकर दोष आ जाता है।